नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है दोस्तों। और ये जो पोर्टल आप देख रहे हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, ये sarthi.parivahan.gov.in, दोस्तों इस पर पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होती है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, लर्नर लाइसेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ये सभी जो आपको ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आप सभी जो है यहाँ से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा पोर्टल है और इसका यूज़ करके आपको जो है कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है लर्निंग लाइसेंस पूरा जो 6 मंथ वैलिड होता है वो यहाँ से बना सकते हैं। उसकी बहुत आसान प्रोसेस है दोस्तों। जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है तो एक एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट होता है दोस्तों, और इसके द्वारा आप अपने लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को, कि आपका लर्निंग लाइसेंस किस स्टेट में है, उसका वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं, वो बना है या नहीं, ये सभी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, आपको यहाँ क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस पर दोस्तों, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो है लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड होता है और जब आप उसको फाइल करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, तो वहां पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। उस एप्लीकेशन नंबर को जो है आपको यहां पर डालना है। ये हमने एप्लीकेशन नंबर दोस्तों डाल दिया है। इसी के साथ आपको यहाँ पर डालनी है डेट ऑफ बर्थ। आप वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दोस्तों जो आपने सेलेक्ट की है आपके लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर उस डेट को डाल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कैप्चा जो है आपको फिल करना होगा। यहाँ से ये हमने कैप्चा फिल कर दिया है और अब हम सबमिट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस जो हमने सबमिट कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, किस तारीख को ये अप्लाई किया गया था। आप RTO का नाम देख सकते हैं, आप यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, फादर नेम देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लर्नर लाइसेंस नंबर, ये लाइसेंस नंबर जनरेट हो गया है। इट मींस कि ये जो एप्लीकेशन नंबर था, इनका लर्निंग लाइसेंस पूरी तरीके से यहाँ बन गया है। आप एप्लीकेशन की रेफरेंस स्लिप देख सकते हैं, जो फॉर्म भरा गया है वो भी देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टेक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस। और ये जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये इशू जो हुआ है लर्निंग लाइसेंस, ये लाइट मोटर व्हीकल और 4-व्हीलर 2-व्हीलर दोनों के लिए, ये प्रोसेस थी जो कंप्लीट की गई, जो एग्जेम्पशन होता है जब हम आधार कार्ड की मदद से इसको बनाते हैं दोस्तों। और इस तरीके से ये पूरा आपको कैलकुलेशन दिखेगा, और लास्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेंट जो थे, इन्होंने एक ही टेस्ट अटैम्प्ट यहाँ पर ऑनलाइन दिया था एक वीडियो देखने के बाद, और उनका रिजल्ट पास रहा है। किस तारीख को ये सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, और यहाँ लिखा है लाइसेंस हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो इनका लर्निंग लाइसेंस बन चुका है। उसका नंबर दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, और इस तरीके से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब ये जो है 6 मंथ तक दोस्तों वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद जो है आप जाकर यहाँ पर अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोस्तों। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, ये वीडियो भी हम लेकर आने वाले हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। हाल फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और उन्हें अपना स्टेटस पता करना है, तो वो इस तरीके से स्टेटस को पता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।